जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से मंगलवार को जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिला अधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में कैंपियरगंज तहसील सभागार में संपन्न हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि जिन जन समस्याओं के निस्तारण के प्रति लापरवाही शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान डीएम के विजयन पांडेन व एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने आए फरियादियों की समस्याओं को ध्यान से सुना तथा उनके समयबद्ध निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायतों का रजिस्टर में अंकन कर उस पर शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाए तथा निस्तारण की वास्तविक स्थिति का मौके पर जाकर पता लगाया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण एक सप्ताह के अंदर अवश्य होना चाहिए। डीएम ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण शासन की प्राथमिकता और जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसडीएम कैंपियरगंज सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया। पैसा देंगे बनाने की जमीन है तुम्हारा पास? शहर के लिए ग्रामीण का है संपूर्ण समाधान दिवस था जिसमें डीएम और एसएसपी हम दोनों लोग गए थे कैंपियरगंज में, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में लोग आए थे और जो भी टाइम फ्रेम था उस फ्रेम में उन सबको हमने सुना और सभी की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करी और कई जगहों पे उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। और पुलिस के कुछ कमी मामले थे और बाकी जो जमीन जायदाद के और बाकी विभागों के मसले भी थे, तो सभी कुछों को हम लोगों ने देखा।